हेलो गाइस, आज असी पान लगे हैं मोटी मिर्चा का अचार। उसके लिए असी लेते हैं किलो मोटी मिर्चा, अमचूर, सेंधा नमक। मैं सेंधा नमक यूज कर दी हूँ, तुसी जड़ा मर्जी कर सकते हो। हल्दी, मेथे दाना, अजवाइन, अमचूर और गरम मसाला, सौंफ, राई, जीरा, लाल मिर्च, हिंग और सिरका। इहदी रेसिपी मैं थोनू दस दी हां। बहुत आसान तरीके नाल मिर्चां दा अचार बनाया जांदा, मैं थोड़े नाल शेयर कर दी हां। पहला असी मिर्चां नू चंगी तरह पूंझ लेना ताकि इन्हां दे विच नमी ना रहे, ताकि साडा अचार खराब ना होए ते वधिया तरीके नाल काफी टाइम तक चले। मिर्चां नू धो के असी चंगी तरह धुप्प च सुखा लेना ताकि इन्हां च बिल्कुल भी 1% पानी ना रहे। फिर भी थानू अगर लगता है कि इन्हां च पानी हो सकता है तो असी किसी सुके कपड़े नाल इन्हां नू क्लीन करके अलग तो रख देना है, ताकि इन्हां च बिल्कुल पानी ना रहे और ये अच्छे तरीके नाल अपना चलन, ताकि असी ये अचार बहुत स्वाद लगता है, ये अपने खाने का स्वाद भी होर वधा देंदा जो असी इन्हां नू किसी नू सर्व करते हैं। इन्हू असी 1-2 मिनट रोस्ट कर लेना अच्छी तरह, ताकि इन्हां दी जो भी इन्हां च सिल्लापन नमी है वह दूर हो जाए, ताकि साडा अचार खराब ना होए। इस तों बाद असी रोस्ट फ्लेम नू असी बिल्कुल घट रखना, ते इन्हू अच्छी तरह रोस्ट करन तों बाद इन्हां नू असी जिहड़े भी भांडे च पावांगे बिल्कुल सुखा होना चाहिए, सानू ध्यान रहे, ते असी उहदे च पा देना। फिर असी इहदे च पाना ऑयल। गाइस, तेल हो चुका साडा बंद, हुण गरम, हुण असी इहनू गैस नू कर दांगे बंद। तेल पाके 1/4 चम्मच असी हिंग दी पानी है। हिंग नू धुआं उठन तक तेल च गरम करांगे और फिर उस तों बाद जदों तेल गरम हो जाए तां गैस नू बंद करके तेल नू ठंडा होण दी वेट करांगे। हजे साडा तेल गरम नहीं होया, गरम हो रहा है। असी मस्टर्ड ऑयल यूज करांगे, तकरीबन 4-5 चम्मच असी मस्टर्ड ऑयल दे लवांगे। इन्ना साडी मिर्चां दा मटीरियल हो रहा ठंडा, ते इन्ना असी मिर्चां दे विच कट लगा के इन्नू साइड ते कर लांगे। इन्ना मटीरियल भी ठंडा हो जाएगा, फिर असी उन्नू दरदरा पीस के मिक्सी दे विच, ओह भी मैं थोनू दिखाऊंगी जिदा पीसना, ते मिक्स करके फिर इन्ना मिर्चां नू असी फिल कर लांगे अच्छी तरह। गाइस, कुछ इस तरह साडा ये मसाला बन के हो गया तैयार। तेल हजे थोड़ा गर्म है, तेल हो गया साडा ठंडा। गाइस, हुण इहदे च असी पावांगे सिरका। सिरका इहदे च पाके अद्धा तेल असी इच यूज कर लेना, अद्धा तेल असी बाद चो यूज करांगे। हुण असी चंगी तरह मसाले नू रला लेना। मम्मा बाय बाय है। तेल हो गया साडा ठंडा। गाइस, हुण इहदे च असी पावांगे सिरका। सिरका इहदे च पाके अद्धा तेल असी इच यूज कर लेना, अद्धा तेल असी बाद चो यूज करांगे। हुण असी चंगी तरह मसाले नू रला लेना। मम्मा बाय बाय है। हो गया साडा रेडी, हुण असी इन्हां नू मिर्चां च भर देना। थोड़ा थोड़ा मसाला असी मिर्चां च इस तरीके नाल भर दवांगे। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ।
ये असी मिर्चा फिल करके रखी है। हुण असी ये सारिया मिर्चा इस जार के अंदर पावांगे। ध्यान रखियो तुहाडा जार बिलकुल साफ सुथरा ते पानी तो बिना होना चाहिए। मसाला साडा बचिया सी असी ये उहदे उत्ते ही पा देवांगे। मेरे एक जार च मिर्चा पूरिया नहीं आईया तो मैं दूसरे जार च थोड़िया जिहा मिर्चा पा दी। जड़ा ये तेल असी बचाया सी ये ठंडा हो गया, इनू असी इस जार च पा दांगे। ते इस जार च पान तो बाद असी इनू चंगी तरह हिला के जार बंद करके रख दांगे। असी अचार नू धुप च भी रख सकते हैं और हला सानू दो दिन बाद अचार चंगी तरह हिलाते रहना चाहिए ताकि साडा ये अचार खराब ना हो। थैंक यू गाइज, अगर थोनू ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करो। लो गाइज इधर आया सानू व्याह का सद्दा, मेरे नानके है मतलब मेरे मामा जी की बेटी की शादी है। तो आ देखो ये मेरे छोटे भरा भरजाई हैं, ये लैके आए सी व्याह का कार्ड ते कपड़े। तो मैं क्या चलो ये भी तुहाडे नाल व्लॉग शेयर करा। देखो जी कपड़े लैके आए सी अमृत के निशान के, हरप्रीत के, पापा के, मेरे सारे कपड़े हैं, मिठाई का डब्बा है, शगन है। तो आ देखो जी तुहाडे नाल व्याह की भी वीडियो फुल सांझी करांगी। गाइज बने रहो तुसी ते बाकी जो भी इस व्लॉग दे विच मैं शेयर करांगी देखो तुसी जरूर। ते प्यारा जिहा लाइक देना, थैंक यू सो मच, तुहाडा बहुत सारा दिलों शुक्रिया। ते व्याह ते चलांगे जी, जनवरी का व्याह है, हले पया थोड़ा टाइम ते व्याह दियां करदे आ तैयारियां। बाकी आपां बने रहो। तो लो जी इधर कहिंदे सी असीं खेतां दे विच घूमण जाणा, आपां खेत देखणे ते आपां इहनां नूं खेत घुमाण लई लै के आए हां। ते देखो जी इहने साडे खेत, तुहाडे नाल तां मैं पहलां वी बहुत सारी वीडियो ਸਾਡੇ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਭਾਂਡੇ, ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਖਾਣੇ ਮੈਗੀ ਉੱਧਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਚਨੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਫਟਾਫਟ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਸਿੰਪਲ ਮੈਗੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਗੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਗੀ ਬਣਾ ਦਿਉ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਗੀ ਖਾਣੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਗੀ ਬਣਾ ਦਿਉ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਤੀ ਮੈਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਸੂਪਲੀ ਮੈਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ, ਗੋਭੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਲਓ ਗਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਚ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੋਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਔਰ ਸੈਲਫ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਐਵੇਂ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਨਿਚੜ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਈ ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਗਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਲਓ ਗਾਈਜ਼ ਇੱਧਰ ਕੱਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲੂ ਗੋਭੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਪਿਆਜ਼
फिर साडा गर्म हो गया ते अज कढ़ाई बहुत वड्डी लग रही है। बाकी देखते हैं कितना बनती है। लो गाइस इधर पुज गए प्याज। हूँ थोड़ा जहा मैं जीरा भुल गई सी, मैं क्या चल जीरा भी पा दवा गर्म जगह वाला। तो हूँ आप टमाटर तो हरी मिर्चा भुजे पा दी। गाइस आ बना के रखा है मैं टेस्ट बहुत वधिया एदा, मतलब जिवें अदरक ते लसन दा ए भी विच पा लेना, बहुत टेस्ट वधिया आंदा। तुसीं भी बना लिया करो, बहुत स्वाद है। परोठी नाल भी आप खा सकते हैं, इन्हू भी आप हम विचे रला लाँगे। हम आप पा लेंगे ये विचे, मसाला भुजन लग गया साडा। नमक पावे अपने टेस्ट अनुसार, थोड़ी जी हल्दी पावे, थोड़ी हरिया मिर्चा पावे। वैसे मैं ला हरिया मिर्चा पा दी, थोड़ी जी पानी ला लें। चंगी तरह मसाले भुन के आप ताकि साढ़े टमाटर जड़े ना गल जाए, मतलब गल जान कह दें ना, भुज जान चंगी तरह। साड़ी पंजाबी भाषा ही इदा की गल जान। लो जी आप भुज गए, हूँ आप पिछे हम मैं सब्जी में पा देंगे। लो कुछ भी खड़का करो चंगी तरह, हम रला के इन लो जी चंगी तरह रल गया ना। हूँ साडा सिम से ज़्यादा तेज नहीं आकर नहीं होना, आप ढक दें। अच गोभी थोड़ी तो कढ़ाई वर्गी लग रही है। तो लो गाइस इधर बन गई साड़ी सब्जी है, सब्जी बन के होगी तैयार। खड़ी खड़ी गोभी बोलते हैं आप, देखो खड़ी खड़ी जी गोभी बन गई। असं ना पानी वाली बनाते, सुक्की बनाने ना, कई पानी वाली पसंद करते हैं, है ना। गोभी बन के होगी तैयार, आलू एकदम गल गए, फिर मिर्ची चिपली जाने गल गए पक गए। लो जी इधर सुक के साढ़े भांडे, हूँ आप जिदा मर्जी ला दो। ये फायदा हो जाता जो अपना भांडा सुक्का हो ना, फिर अपने जोड़ा गिलास लगा हों ना अंदर, ये दाग नहीं पैंते है। इस करके ना इन अपना फायदा रह जाता है, बहुत फायदा होंगे, नाले भांडे सुक जांदे आ वधिया।